हेलो एवरीवन मैथ्स टीच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक का है ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक एक वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग जो भी बिहार यूनिवर्सिटी में पी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में वो सारा चीज़ हम लोग लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी फर्स्ट सेमेस्टर और सेशन जो है सोलह से अट्ठारह ठीक है सोलह से अट्ठारह में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है ठीक है चलिए हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आप लोगों लो को टाइम जो होगा टाइम यहाँ पे थ्री आवर्स दिए जाएंगे और फुल मार्क्स जो होगा सेवेंटी मार्क्स का होगा ठीक है और थर्टी मार्क्स का जो होगा आपका वो यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा चलिए उसके बाद यहाँ पे जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर एंसर इन देयर आवन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकल चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं और यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या है ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो है दे रहा है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स एंसर फ्रॉम ऑल ग्रुप्स एज डायरेक्टेड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे ग्रुप ए को यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ए में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बता दें जो ग्रुप ए जो होता है वो टोटल आपको इसमें से टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रति एवरी क्वेश्चन आपका दो मार्क्स का होता है दो मार्क्स का होता है तो टोटल इस तरह कितना हो गया टोटल आपका ट्वेंटी मार्क्स का ग्रुप ए से क्वेश्चन आता है ट्वेंटी मार्क्स का ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप ए से क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे ए में जो दिया हुआ है लेट जी द साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स जनरेटेड बाय ए देन विच वन ऑफ कॉम्पोजिशन सीरीज ऑफ जी ठीक है ये आपका ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से आप किसी को आप अपने से देख सकते हैं चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्रुप बी का देखते हैं ग्रुप बी जो है आपका ग्रुप ऑफ ऑटोमोरफिजम ऑफ एन इन्फाइनाइट साइकिलिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी का जो आपका यहाँ पे औ, और, जो दिया हुआ है ऑप्शन आप किसी को आप टिक लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन को राइट डाउन अपने कॉपी पे कर सकते हैं चलिए उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सी जो है उसको हम लोग देखते हैं ग्रुप सी जो हमारा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कह रहा है यहाँ पे ग्रुप सी जो है कह रहा है कि इफ ए बी इज एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ गर्वसेंट इंटीजर्स देन इट हैज फोर एसोसिएट्स नेमली ठीक है चलिए उसके बाद इसका हम लोग ऑप्शन को दिखाते हैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे टोटल यहाँ पे चार दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं ये चारों में से जो भी आपको होगा आप अपना टिक यहाँ से लगा सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डी को यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन डी जो है यहाँ पे रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन आर इज फर्स्ट में दिया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेटिव बर्थ सेकेंड में रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजेटिव थर्ड में ट्रांजेटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव और फोर्थ में नॉन ऑफ दीज तो आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे ई e को देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं ठीक है चलिए कह रहा है एन आर मोडल एम ई सेट टू बी इरेड्यूसकेबल इफ इट्स ओनली सब मॉडल इज ऑप्शन ए एक दो तीन चार आप दिया हुआ है इसमें से आप देख सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं टाइम को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जल्दी जल्दी देखेंगे आप अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को अच्छा से देखते जाइएगा ठीक है और एक चीज़ आपको हम और बता दें कि ये ऐसे सीरीज में आने वाला है हम आपको जो भी ईयर का क्वेश्चन होगा सब हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे तो हम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं चलिए उसके बाद एफ में जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ठीक है और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग देखेंगे जी नंबर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है जी में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एंड ए बी बिलोंग टू के देन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट हो आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हैं चलिए आगे हम लोग एफ़ को देखते हैं एफ़ यहाँ पे जो दिया हुआ है इफ़ क्यू टू जो है यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो एंड क्यू इज द फील्ड ऑफ रेस्टल नंबर्स देन इतना इज इक्वल टू क्या होगा आप यहाँ पर ये चार ऑप्शन है इसमें से देख सकते हैं चलिए उसके बाद हम आगे यहाँ पर देखते हैं जी नंबर ठीक है तो जी नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जी में चार ठो ऑप्शन दिया हुआ है और इसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखिए यहाँ पे एच ठीक है एच जो है यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सटेंशन ऑफ के ऑफ ए फील्ड एफ इज क्यू सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ ई फ्यू यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन दो ठो ठीक है और बाकी जो दो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाकी दो यहाँ पे है चलिए आई को देखते हैं लेट जी के एफ़ बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमरपीम ऑफ के देन द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के एफ़ इज इक्वल टू यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं देख सकते हैं चलिए बेसिकली यहाँ पे हमको क्वेश्चन को, जो है ये उपलब्ध कराने का मेन मोटो ये है कि आप लोग यहाँ से अपना प्रिपरेशन तैयारी को देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं कि, कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है ठीक है तो ये सोलह से अठारह सेशन वाले के लिए क्वेश्चन है और बाकी जो क्वेश्चन है आगे हम लोग इसको उपलब्ध कराएंगे बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जे क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है चार ऑप्शन भी है आप इसको राइट डाउन करके और समझ सकते हैं ठीक है तो विशेष हम लोग यहाँ पे सर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराना हमारा मेन मकसद है यहाँ पे और टाइम को देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ठीक है यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रुप बी ग्रुप ए हमारा टेन क्वेश्चन समाप्त हुआ प्रत्येक क्वेश्चन दो मार्क्स का था और ग्रुप बी जो है इसमें आपको टोटल जो है आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन बनाने हैं और प्रति क्वेश्चन पाँच नंबर का है यानी कि बीस नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी फोर क्वेश्चन यानी एनी किसी फोर क्वेश्चन को आपको बना देना है ठीक है जो यहाँ पे दिया हुआ है तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जो दो में दो नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है तो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा टोटल इस पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दो में दिया हुआ है डिफाइन सोलवेवल ग्रुप इज ग्रुप एंड प्रूव डाइट एवरी एवलियन ग्रुप इज सोल तीन में दिया एक्सप्लेन डिविजिबिलिटी इन द केस ऑफ इंटीग्रल डोमेन विथ एग्जाम्पल एंड शो द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पे हम चार क्वेश्चन नंबर चार को पढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं तो चार को और आए डिफाइंड आर मोडलो एम इफ ए बी आर टू सब मॉडलो ऑफ ए एंड आर मॉडल एम ठीक है देन प्रूव डैट ए यहाँ पे इंटरसेक्शन इज़ बी इज एन सब मॉडल ऑफ एम ठीक है चलिए पाँच में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आसानी से राइट डाउन भी कर सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर छः को ठीक है तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर छः यहाँ पर दिया हुआ है इसको भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो इस तरह आपका टोटल ग्रुप बी यहाँ पे समाप्त होता है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप सी की ओर ठीक है तो ध्यान से देखिएगा अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ग्रुप सी की तरफ ठीक है ग्रुप सी में आपको ये है कि टोटल जो है यहाँ पर यहाँ पे आपको तीन ही क्वेश्चन बनाने हैं ठीक है और प्रति क्वेश्चन आपको टेन मार्क्स दिए जाएंगे ठीक है टेन मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो आपको इसमें से किसी भी तीन क्वेश्चन को ही बनाना है तो आप लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन जो जो भी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ठीक है और ये एट नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है और टेन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे ये हमारा इलेवन नंबर क्वेश्चन है और इलेवन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह से फाइनली आपका जो भी ग्रुप है आपका ए और बी और सी टोटल यहाँ पे जो जो भी ग्रुप है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है एंड होता है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे प्रति प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कीजिएगा अपने कॉपी पे लिखिएगा और उससे आपको ये अनुभव हो गया होगा कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं ठीक है थीका? और ये जो है आपका बी आर ए बी यू बिहार यूनिवर्सिटी का आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा और ये आपका किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और क्या पैटर्न होता है ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे ठीक है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ताकि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और ये प्रत्येक वीडियो को आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद